तो गाइस पिछले 24 घंटों में WWE की तरफ से क्या न्यूज अपडेट और रूमर से आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो आज का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो जैको फातू के ब्रदर थे यानी कि जर्नी फातू वो कहीं खो गए हैं और वो कुछ दिनों से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे थे जिसकी वजह से यहाँ पर इनका मिसिंग रिपोर्ट लिखाया गया है। उसके बाद इस बार के रेसलमेनिया 40 में जब यहाँ पर रोमेश का एंट्रेंस हो रहा था बैक स्टेज आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके साथ यहाँ पर जैको फातू है। उसके बाद नेक्स्ट मर्सिडीज मोन यानी कि साशा बैंक का क्या एक बार फिर से यहाँ पर WWE में रिटर्न होने वाला है। उसके बाद गाइस यहाँ पर ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता है जब यहाँ पर जी उसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं रोमेस के कजिन ब्रदर जर्नी फातू के बारे में और ये जैको फातू के रियल ब्रदर है। तो जर्नी फातू के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि जर्नी फातू इस समय कहीं खो गए हैं और पिछले कुछ दिनों से यहाँ एक बार भी यहाँ पर दिखाई नहीं दिए, हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि 13 सितंबर से ही गायब हैं। वैसे गाइस ये काफी हद तक ये सही भी है क्योंकि यहाँ पर काफी दिनों से इनके बारे में रिपोर्ट निकल के आ रहा है। वैसे गाइस ये भी MLW में फाइट कर चुके हैं जो की काफी बढ़िया रेसलर माने जाते थे। उसके बाद गाइस ने जैसा की हमने इंट्रो में बात किया की यहाँ पर जैको फातू को देखा गया था जब रोमेश का रेसलमेनिया 40 में एंट्रेंस हो रहा होता है। तो हालांकि गाइस यहाँ पर जैको फातू का है जो सानिध्य कॉन्टेक्ट था WWE में काफी समय पहले ही हो चुका था जिसकी वजह से इनका 2 महीने पहले यहाँ पर एंट्रेंस देखने को मिला और रेसलमेनिया के पहले वो रोमेश का साथ दे रहे थे, उसके बाद से यहाँ पर ये सोलो सिको के साथ हो चुके हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कि रोमेश के बारे में काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि आखिर रोमेश अभी तक कितने यहाँ पर रेसलमेनिया मेन इवेंट करेंगे तब जाकर उनका रिटायरमेंट होगा। और गाइस हमें लगता है यहाँ पर 3 से 4 लग सकते हैं क्योंकि अभी तक इनका कोई भी रिटायरमेंट का प्लान नहीं है। वेल आप इसके बारे में बेटर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद गाइस अपन नेक्स्ट अपडेट है जिला फातू को लेकर। हालांकि हमने इनके बारे में काफी समय पहले ही बात कर लिया था कि इनका एक बार फिर से रिटर्न देखने को मिल सकता है ब्लड लाइन में और इस समय एक बार फिर से इनके बारे में रूमर्स निकल के आ रहा है कि यहाँ पर जिला फातू सच में ज्वाइन करने वाले हैं ब्लड लाइन को। उसके बाद गाइस अपन जी उसो को इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बनने के बाद उनको यहाँ पर ऑडियंस की तरफ से काफी सपोर्ट मिल रहा है। इस समय जी उसो को उनको यहाँ पर ऑडियंस उनको बोलकर ये कह रहे की यू डिजर्व इट यानी की आप इस टाइटल को लिए डिजर्व करते हो, यानी की गाइस यहाँ पर ऑडियंस का भी काफी सपोर्ट है जी उसो को लेकर। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है मर्सिडीज मोन यानी कि साशा बैंक को लेकर। तो गाइस यहाँ पर साशा बैंक का ऐसा मानना है कि वो 5 साल AEW में काम कर चुकी हैं अब तक और उन्होंने यहाँ पर AEW और WWE से कंपैरिजन करके उन्होंने बताया कि इस समय WWE ही बेस्ट है और शायद से उनका एक बार फिर से यहाँ पर रॉयल रंबल में रिटर्न देखने को मिले। वैसे गाइस इनके बारे में एक रूमर्स तो है यहाँ पर, इस समय ऐसा बताया जा रहा है की मर्सिडीज मोन यानी कि साशा बैंक इस समय हाई स्पीड रेसलर बन चुकी है WWE की। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है लॉगन पॉल को लेकर। लॉगन पॉल को एक न्यू यहाँ पर बेबी चाइल्ड हुआ है। वैसे आप देख सकते हैं ये लॉगन पॉल का पहला बेटा है, आप देख सकते हैं उनकी वाइफ उनके बेटे और खुद लॉगन पॉल उनके साथ सोए हुए हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर पॉल हिमन को लेकर। पॉल हिमन हालांकि इस समय काफी कंसल्टेंट कोच का यहाँ पर काम कर चुके हैं, इनके अंडर में काफी सारे रेसलर भी अंडर रेसलिंग कर चुके हैं। वैसे गाइस इनमें से 2 ही रेसलर को यहाँ पर सबसे बड़ी अचीवमेंट मिली, एक यहाँ पर ब्रॉक लेसनर थे और दूसरे तो रॉम रेंज। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है लॉगन पॉल को लेकर। लॉगन पॉल इस समय यहाँ पर येलो नाइट को भी पीछे छूट चुके हैं इस समय इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के रेंज में। उसके बाद गाइस आज का लास्ट और फाइनल अपडेट है यहाँ पर जर्सी को लेकर। जर्सी का यहाँ पर डेथ हो चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो गाइस यही रहे आज के सारी न्यूज एंड अपडेट जो कि हमें इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।